पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से दो कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट्स सच थे। यस, पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। तो आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला? एक हीरो की वजह से। उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं, या फिर इसरो के अचीवमेंट्स देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन के वजह से पॉसिबल हुई हैं। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई, जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए, उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है, और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब USSR ने एक चमत्कार किया, एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुटनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने दो मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले USSR स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई, नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। USSR की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और USSR के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी, भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले। USSR, जापान, इसराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी, और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टेब्लिश किया, और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी प्रॉब्लम्स की। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। At that time, India had nothing, but we had hope. उन्होंने इन सारे problems को one by one address करना start किया। At the same time, एक और list बनाई, अपने strengths की list। विक्रम साराभाई खुद cosmic rays के field में expert थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेते CV रमन ने ट्रेन किया था, और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट थे। उनके हाथ एक impossible task था, बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के, दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे, हम में दम है,
और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। सारा भाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो। सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas, पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गए, इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए। और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान? पॉइंट पर आते हैं। इस पूरी कहानी में सुपार को यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने सारा भाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट है, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, विक्रम साराभाई लव्ड हिज कंट्री, बट ओनली वन कंट्री लव्ड देयर साइंटिस्ट बैक। And that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है, खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। आई वॉज स्पॉटेड बाय प्रोफेसर विक्रम साराभाई बिकॉज आई वॉज नॉट हाईली क्वालिफाइड बट आई वॉज वर्किंग हार्ड, देन ही गिव द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो। इसरो, आई एम अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ले ली। ही वॉज ओनली 52। आज है 30th December, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। एस्पेक्ट ऑफ स्पेस रिसर्च व्हिच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोस्ट इज इन रिलेशन टू द नेशनल कैपेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट दिस विल जनरेट। एक इंसान एक बार नहीं, दो बार मरता है। एक बार तब जब वो खुद मरता है, और दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की? चलिए, आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते, उनकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। आज का भारत इसीलिए है क्योंकि कल के भारतीयों ने भारत के इस आइडिया को पहचाना, अपने पेट्रियटिज्म को प्रैक्टिकल पेट्रियटिज्म बनाया, अपने अपने फील्ड में सिर्फ खुद का नहीं भारत का भी नाम बनाया, और उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है।